मैनू कह रहा इतने में आवे डॉक्टर के ते, तू एक कप चाय बना ले। मैनू सोच रही बाला खाजा जब भी बनाऊ। पर आ जाएंगे बालक तो आ ही जाएंगे आने के टाइम। लवे तो वे आगे आगे केड़ा भाई इसका तो मूसा लटक रहा छोरे का के बात हुई आप पूछेंगे के बात है। सिमरन अब कैसे करेंगे? के बात है बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं, सब ठीक है। के बताया डॉक्टर ने? फिर कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक ठाक तो है सब। डॉक्टर का गया था बेटा, चेकअप करवाए हैं, रिपोर्ट में क्या आया है? मम्मी जी सब नॉर्मल आया। सिमरन बेटा तू तन से चाय बना ले। जी मम्मी जी, डॉक्टर ने मना करा काम काज करने के लिए सिमरन को। कोई बात ना बेटा, मैं बना लूंगी चाय, तुम आराम कर लो। और मैं जीप देते जाके कह रहा मगर चाय बना ले बड़ा का तू रे। चल चलो बना रही हूं। सिमरन मम्मी पापा को इस बात का पता ना चल जाए, नहीं तो वो जीते जी मर जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। सिमरन बेटी। जी मम्मी। कहाँ ले जाए साड़ी, तो मैंने परेस कर ली थी इस पर। मम्मी अलमारी में रखने जा रही थी। अच्छा बैठ जा बेटी, आ जा। सिमरन बेटी। जी मम्मी। बता तू क्या खावेगी, तेरा जी कर रहा कुछ खाने को, खट्टा मीठे को? नहीं मम्मी जी, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा खाने को। बता कुछ खाने पीने को जी कर रहा? जो तेरा जी कर रहा हो खाने पीने को, तो तुझे मैं बाजार से भी मंगा दूंगी। नहीं मम्मी, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा। फिर तू कैसे रहे वैसे उदासी सी, के बात है? बस ऐसी अजीब सा मन हो रहा है थोड़ा सा। बेटी तू उदास मत रह कर, हंसी खुशी रह कर। जी मम्मी जी। अजीब सा मन कह रही है, हर वक्त उदास सी डोलती रहे, पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। हेलो हेलो। हाँ दर्शन भाई, क्या हाल है? बाप बढ़िया भैया, तू बता। और दिखाई ना देते आजकल? ना भैया, हम तो घर ही रहा करें, तू ही ना मिलता, ब्याह के बाद चेंज हो जाया करें। अरे ना भाई ऐसी बात ना भाई, बात तो ऐसी है कुछ ना ऐसे मत ना, बात तो ऐसी है। नहीं जी तुम तो मजा ले रहे हो। मजा ना ले रहा भाई, तो मिलता ही ना मुझे। ऐसी बात ना यार, तुमने तो बिल्कुल ही मिलना छोड़ दिया हमसे। मिलना कहा यार, तू कह तो मैं भी आऊँ, मिलना कहा छोड़ा। ठीक है तो भाई आ जा। ठीक है भाई आ रहा हूँ, कह दिए भाभी से बना लेगी मटर पनीर। ठीक है भाई। ठीक है। अरे उमेश कहाँ है, दिख नहीं रहा। उमेश कहाँ? पता नहीं क्या हो रहा है छोरे का, इस कमरे में से लिकड़ा, उसमें बढ़ जा, उसमें से लिकड़ के इसमें बढ़ जा। पूछ ना था ना, मन ना था ना, पूछ जा। के बात मैं पूछूं? उमेश अरे गेट क्यों बंद कर रहा? उमेश खोलिए एक बार। क्या बात है भाई, क्या कह रही तेरी मम्मी? क्या बात है भाई, आ जाओ। क्या कह रही तेरी मम्मी? कुछ बात ना, बात तो है कुछ, बता बताना क्या दिक्कत है? कुछ नहीं पापा जी। कुछ तो है, वह तो कह रही ना, बोलता ना कुछ, कहता इस कमरे में तो लिगड़ा, उसमें चला जा, उसमें तो आवे, इसमें बैठ जा, क्या मामला है ये? पापा जी सब ठीक है बस। क्या बात है? कुछ ना बात। अच्छा आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, कहाँ है वो ढोंगी? दिखता भी ना, तो ब्याह होगा तो। उमेश। हाँ मम्मी। अरे देख तेरा दोस्त आया दर्शन, अंदर ही भेज दो उसे, जब इतर मिल ले। ठीक है अंकल, मैं चलो कोई बात, भीतर बैठा मिल ले।
आजा भाई बैठ। और सुनाओ उमेश। बस भाई बढ़िया। क्या हाल है तेरे? और भाई ईद का चांद हो रहा, अब तो दिखता ही ना। अरे ना यार ऐसी बात ना। बात तो कुछ ऐसी है। सिमरन दो गिलास पानी ले आइयो। स्टूल धर लो। और भाई बाप बड़े पानी पी। बाप भैया कोई पियाओ पानी। पी ना पी पी रख दो। और भाभी जी ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और भाभी जी को ठीक तो रखे तो? भाई तेरे सामने पूछ ले, कह तो रही है। लड़िए झगड़िए मत ना। अरे ना भाई ऐसे ना। कोई बात ना, कोई बात सुनना लूं। और लड़ता तो ना भैया? नहीं लड़ते, बिल्कुल ठीक है। लड़े तो बता दियो, छुटा दूंगा इसकी। हाँ ठीक है, आप ही को बताऊंगी। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना बेधड़क होकर। ठीक है ठीक है। सिमरन जा मटर पनीर बना ले, ये कह भी रहा था। अरे एक गिलास उठा लियो। और दर्शन भाई बढ़िया हूँ भैया। मैं तो कुछ अपने बारे में बता दे, मेरी सुनता रहेगा। ना भैया सुनाना और बताना क्या। बबुआ कर रही है पिताजी से बात रिश्ते की। अजी हाँ। तो फोटो फाटो भी दिखा दे, कुछ आया तो होएगा जरूर। फोटो तो ना आया भाई, फोटो आते सबसे पहले तुझे ही दिखाऊंगा। चल ठीक है भाई, चिंता ना कर। जरूर ठीक है, हम ही देखेंगे और कौन देखेगा पहले। तुझे ही दिखाऊंगा। ठीक है तो हाँ जी, आपने क्यों बुलाया मुझे? बैठ, कुछ बात करनी है। सिमरन तो मेरे से दूर मत जा कर, तेरे बिना मन नहीं लगता मेरा। तुम से दूर मत जा कर, मेरे पास ही रह कर दो। हाँ तो मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं यहीं तो रहूँ पूरे दिन। अरे हाँ तो दर्शन के आने जाने का बुरा तो ना मानती? मैं क्यों बुरा मानूंगी, वो आपका इतना पुराना दोस्त है, वो आ सकता है घर पे। ठीक है, वो ऐसी है मजाक ऐसा, बचपन से मेरे साथ रहा ना वो। एक बार की बात है, मेरे से कुछ बात हो गई थी, उसने सारी बात अपने ऊपर ले ली थी। अच्छा हाँ। बहुत पक्की दोस्ती आपकी तो। और ऐसी है वो। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। वो तो अंदर ही बढ़ रहा होएगा। अंदर ही। अच्छा गेट बंद और कर लें, पता ना कौन सी खिचड़ी पक रही है। नहीं हमें नहीं बताता ही छोरा। क्या बात चल रही है भाई भाभी में? मेरा दर्शन भाई आ बैठ, बगल में बैठ रहे हैं। बगल में बैठ जाएंगे भाई, भाभी के कभी कभार मौका मिला करे बगल में बैठने का। और कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। भाभी के द्वारा कभी कभार बैठने का मौका मिला। और कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अभी बहुत देर से आप ही की बातें कर रहे थे कि आप बहुत अच्छे हो। अच्छा क्या बता दिया भाई? अरे यार वही पुरानी बात कॉलेज की। अच्छा जी। अरे तुम दोनों बात करो, मैं कुछ काम सा अभी काम कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? अरे कुछ ना कर भाभी से बात। भाभी से तो बात करेंगे हम। नाइन हुए, इन्होंने आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई। अब जरा मुझे ये तो बताओ, कॉलेज टाइम में और अब आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है कि नहीं है? कहाँ भाभी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, आज तक कोई ऐसी मिली ही ना। क्यों, ऐसी आप में क्या कमी है, इतने तो स्मार्ट हो आप। बात बनेगी या ना बने नू तो पता ना, बताई ही मैंने वैसे भैया को। कोई नहीं, जब बात चल रही तो बात भी बनी जाएगी। बन जाएगी तो ठीक है। घर में जवान बहू है, गेट बंद करके पता नहीं के बतला में ये। थारी समझ में क्यों ना आ रही है बात जो मैं बता रही हूँ? इससे बुझो तुम क्यों बुला रहा है इसे। ना ये कुछ काम करता ना कुछ करता, घर में ही बड़ा रहा है बस, पता नहीं क्या करता रहे घर में। छुमा में ऐसी कोई बात नहीं होती, ये बिना मतलब के बहम नहीं करे करते किसी पे। ए मुझे तो भाता नहीं निकाय हुनर, आ मेरे कमरे में बढ़ जा। चल कोई बात नहीं, तू बिना मतलब का बहम तो पाले। हाँ भाई। हाँ जी। क्या बात है, तू ढंग में क्यों नहीं आ रहा है, बता मुझे। क्या बात होगी? तूनू बता, ना खेत में जाता ना कुछ और काम करता, सब दिन भीतर बैठा रहा। अरे की और ही ला लिया कि ये था। ये पहले भी तो आया करा, जब तक तो तुम ना कह करे कुछ भी, अब क्यों कह रहे हो इस बात को? इस टाइम में उस टाइम में बहुत फर्क है बेटा। मेरी गैल नहीं पढ़ा गए, जब इस बात को कह रहे हो आप भी, जब तक तो मम्मी नु कह रहे गैल रह करो, अब इस बात को कह रहे हो।
मैं एक बात बता रहा, घरों आना जाना ठीक नहीं, गली मोहल्ला सब देखा है, इन बातों का बहुत गलत असर पड़ा, ठीक है ना? क्यों बैठा हुआ है उदास? जाऊं के मैं? क्यों बुलाया फिर तूने जो उदास बैठ रहा? अरे यार, चल पहले कुंडी लगा दो मेरे कुछ अभी। कुंडी क्यों लगा हुआ है? मुझे बता दे। अरे है कुछ बात यार। चल लगा ले तो बात। समझ मेरी बात। बता क्या बात है? बता भाई क्यों परेशान है तू? अरे भाई क्या बताऊं? अरे यार कुछ तो बता क्या हुआ? अरे यार बहुत बड़ी बात है, जी तो ऐसा कर रहा हूँ मर जाऊं। अरे यार क्यों मरेगा तू भाई? मुझे बता क्या बात है, तुझे पता मेरे बारे में? तू बोल तो सही, तेरे खातिर जान भी दे दूँ। क्या बात है मुझे बता, तू इतना दुखी ना हो। यार कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आ रही यार। दरअसल मैं डॉक्टर के गया, रिपोर्ट आई थी। के रिपोर्ट आई भाई? दरअसल भाई तुझे मैं छोटा भाई मानू, बताइए मतलब किसी को? हाँ हाँ भाई बता दो सही क्या बात है, तू बता तो है नहीं रहा भाई, किसी को बताइए मतलब ये बात तेरे मेरे बीच में रहेगी, बस किसी को पता ना चलेगा। भाई तुझे भरोसा नहीं? मैं नहीं बताने। दरअसल भाई ये बात मैं तेरे सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इस बात को पूरी जिंदगी किसी के सामने बता नहीं दिया। भाई तू हाथ ना जोड़े, शर्मिंदा ना करे, बात बता के बात है। भाई डॉक्टर ने एक बात बताई कि मैं बाप बनने लायक नहीं हूँ। क्यों भाई? उस दिन हम टेस्ट कराने गए ना अस्पताल, तो सिमरन की रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई और भाई मेरी आई नेगेटिव। भाई उमेश ये तो बहुत बिगड़ समस्या है, अगर तू दूसरी शादी करे तो उसका भी कोई फायदा नहीं। भाई मैं यहीं तो फंस रहा हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। इस समस्या का तो कोई हल ही नहीं भाई, इस बात का एक हल हैगा। क्या है भाई? अगर तू साथ दे तो बता भाई के हल है। आज से तू हमेश हरमन दर्शन मतलब किसी को भाई बताइए मत। भाई ये सिर कट जाएगा पर तेरी बात कहीं लीक ना हो। भाई कुछ समय के लिए जब तक बच्चा नहीं होता तू मेरी जगह ले ले, मैं तेरी। ओ भाई तू क्यों पाप चढ़वा रहा मेरे ऊपर? ओ भाई मैं इसलिए तो तेरे सामने जिक्र नहीं करूँ था, अब यू बात पर आई होगी। ओ भाई तो मेरे पास यू एहसान कर दे। ओ भाई परेशान ना होगा। मुझे बताओ, आप रो मत। ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, जो भी बात है आप मुझे बता दो। सिमरन अपनी कमी की सजा मैं तुझे दे रहा हूँ। तो क्या हुआ, जो सजा तुम दोगे मैं वो सजा भी काटूंगी, पर तुम रो मत। बच्चे की तो बात है, कोई बात नहीं मैं अपनी बहन से ले लूंगी। अगर बच्चा ले भी लिया तो क्या फायदा, अच्छा तेरी गोक से होना चाह, अब मेरा नाम होना चाह। ये क्या कह रहे हो आप, ऐसे कैसे हो सके? सिमरन अगर तू इस घर को आगे बढ़ाना चाहती है ना तो एक तरीका है। बताओ फिर क्या तरीका है। मेरा दोस्त दर्शन। आपका दिमाग खराब हो गया है?
आ गए जी, आ गए। पापा। हाँ बेटा। रिपोर्ट आई है सिमरन की। क्या आया? मम्मी खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली हो। है, मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे तो बड़ी खुशी की बात है। एड्रेसन करवाया था भैया? हाँ। चल वैसे तो ठीक ठाक है बालक तो? हाँ सब नॉर्मल। चल बढ़िया, मैं दादी बनने वाली हूँ। खाओ खाओ आप खाओ। मैं तो जरूर खाऊंगी इस खुशखबरी में तो भाई। सिमरन जी पोता होगा ना, सारे गांव में बांकली बटो में ढोल पिटो में ढोल सुन जी। और कई दिन तो सदे भजनी पे गुआ में भजन। पोता थार पे तो जाना ना चाहिए, चमचा सा मेरे पे जाना चाहिए, हिम्मत वाला लंबी पोरी का। सारी अपनी अपनी दीपा पे तेरे पे चलेगा जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात होगी बेटी? उल्टी हो रही है? ना मम्मी जी, घबराहट हो रही है। चल लेट आ जा। सिमरन मैंने तुझसे कितनी बार कही है, बोझ मत उठाया कर, बोझ का काम मत करे कर। मम्मी कहाँ रहे? मम्मी है यहाँ बाहर बैठी है। चल आराम कर ले जा, तू कमरे में जा, मैं रख लूंगा। इवनी तो कुछ करती पलोथी मारे खाट पे बैठी। तमे तो मेरा दुख। हां हमें गणो मेरा। अरे मेरा बाबू। आ भाई ओ से दूध पिया। ओए इसके खिलौने से ठाके ला जा पहलवान। अरे मेरे को तो नींद आ रही है भाई। छोरा बोलो ये नींद आ रही तो जा। हां भाई ओए मेरे सूरज को नींद आ रही है भाई, चाचो के सोवेगा ना देर। ओए मुझे लग रहा है आंखों में नींद भर रही है। अम्बे ले मेरा सोना बाबू, पकड़ खिलौना। हाँ बजा बजा। अच्छा जाना ही पसंद ना करता यो। तुम बात तो करते ना, बात करे करो बच्चे से, जब तो खुश रहे। जब बाबा गोदी में चला एक नंबर। ना भाई आजा आजा, तो मेरे पे आजा वापसी। इसे तो मैं लम्मा देख अब्बास बेटा सूरज। चल 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 जाओ, इसे बाहर को घुमा के लाओ थोड़ा सा। चल भाई सूरज, रोगे ना या तेरी दादी पीट लेगी। चल देखो का पी गाऊंगे उसका, तेरे बाबा का पता ले आवेंगे हैं उसके ता। इसे दूध तो पिया दिया होगा। हां हां ए ये बेटे देख, चल देख मेरी कमर पे बैठ। ओए देख सूरज आहाल ए तेरे नाम पहलवान पूरा बत्तू हो रहा। ठीक है देखी पी मंगे हम दूध हैं, ठीक है ना? इवनी बोल रहा बेटी, चो इवनी बोल रहा ना रे। ए सो तो ना गया हैं, देखिए तेरी दादी की कर पेटी उठ जा, ऐसा दूध पीवा घुमा लाए। हाँ आ जा भाई, उसका विकास का छोरा था वो भी खेल ले रहा था भाई जी, इन्हें दाब लिया वो। ओए मेरा बच्चा घूम आया तो, उसका विकास का छोरा भी खेल ले रहा था भाई जी, तो घूम आया। अरे इन्हें दाब लिया घूम का आया तो। है भाई चल, तू तो हंडेरू बनेगा।
ले ले योरा ले ला ला ले ले पकड़ो। अच्छा आराम से खिलाइए, चोट लग जाए इसका। आराम से ही खिला रही थी। हेलो, देखो कौन आया है। गाने बज रहे, आराम से। ले 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 मेरा बेटा। ले 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 मेरा बेटा सूरज बाबू। मैं तो अपने बेटा को साइकिल लाऊंगा, साइकिल लाऊंगा। अरे तू यार इसे परेशान मत करेगा, ला दिखा। ओ ले अंदर ले जा, भूख लग रही होगी तो खिला दे। आ भाई अंदर रख। लो अपने पापा के पास जाओ। आ जा, आ मेरे शेर, आ बेटे, आज तो हीरो लग रहा। देखो मम्मी, हाँ आ जा। अरे ये तो ज्यादा परेशान हो रहा। सूरज आ जाओ, तू रख भाई, मेरे बिना रह रहा है वो। के पास क्यों रो रहे हो जाके? पीटा पापा ने। ओ अच्छा, चुप हो जाओ। हाँ पोता खिला रहा भाई राजवीर। हाँ भाई थरे भाग तो पोता हो गया। हाँ भाई देख बाबा को राम राम कर। अच्छा भाई बाबा पीट देगा बाबा। बैठे हो ले पकड़ लिए से। पापा नहीं अब तो चुप ही हो। हाँ और सुनाओ मेरा राजवीर। बढ़िया भाई प्रेमपाल तू सुना। परिवार में सब राज्य खुशी। तेरी दया ते खुशी इतनी। पोता होने वाला एक साल का, जसुटन करूंगा घना ठाडा। चलो सहदेव भजनी को बुलाऊंगा। अच्छा कई दिन चलेंगे भजन, ठीक है ना। चलो पूरी ठाडी दावत रस मिलूगी और तेरी दावत बिल्कुल एक नंबर की कंचे की दावत। अच्छा हाँ ठीक है तो बस। हाँ अरे आप कहाँ है सूरज महोदय? वो तो अंदर सो रहा है। तो लो उसे दे दिया सूरज। ये आप ही दिया हो ना सूरज को जाके अंदर। हाँ भाई सूरज। दर्शन भाई क्या हाल है? बस बढ़िया भाई तू बता। बस भाई और बता क्या चल रहा? बस कुछ ना आजकल ऐसी। और कैसा आना हुआ? बहाना का भाई, मार्केट जा रहा था तो सोचा कि लोन लेता चल। अच्छा हाँ लिया। हाँ चल अब कहाँ जा रहा? अब तो चलूँ बस। चल ठीक है। तो ठीक है भाई। पता ना यार कैसी बात कर रहा, तुमने तो दोस्ती तोड़ दी दिखे। तू घर आ चल। ठीक है भाई तू तोड़ लिया दोस्ती 100 बार, मारी तरफ से ना टूटे एक बार भी। आराम से बेटा दीपू, आराम से, चोट ना लग जा। देख अंकल राम राम, आंटी राम राम। राम राम दर्शन आ जाने बा अंकल चलूं। अरे यू बुला रहा तुझे, देख यू बुला रहा, बुला ले चाचू को बुला ले। अपने अंकल को नमस्ते कर। बाऊंगा कभी आऊंगा अंकल, बस अब तो काम सा थोड़ा सा, चलूं मैं। अच्छा चल कोई बात नहीं बेटा, ठीक है फिर कभी आऊंगा। ठीक है। अरे दूध पिला लो तेरे पर मान साई। ओ बेटे ले ले देख 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 चीज। हाँ क्या बात है, जैसे दे दो दूध पिया दे, रो रहा है। ले जब देखा जब इतना आ जा तो आ जा, चल चल आ जा, चुप हो जा मेरे बाबू। अरे मेरे बाबू चुप हो जा। चल गया ही तो अब, चल आ जा, आ तो चल चल तेरे मम्मी को देखो। चलो 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 मनु गारी अपने घर जाने को कह रही है वो। तो भेज दे मैं भेजूंगा, तू ही तो कहेगी। दिखा ला आपके छोरे को गई ना जब से। ठीक रहे सर। उमेश जी मम्मी जी आ रहा हूँ। देखो बैठ जा बैठ जा बैठ गो।
बताओ। तेरा दर्शन का कुछ फर्क आ रहा? नहीं तो ऐसी कोई बात ना। मगर बात तो नहीं हो। अरे कुछ लड़ाई झगड़ा तो ना हो गया थार दोनों में? ना मम्मी ऐसी कोई बात नहीं। निकड़ा जा रहा बाहर को, मन कह रहा आज अंदर आया ही ना। काम होएगा उसका कुछ, जल्दी में होएगा, चला गया होएगा। नहीं वो तो ना कुछ एक दूसरे में कुछ फर्क आ रहा हो? ना ना ऐसी कोई फर्क की वाली बात ना। उमेश है भाई? वो तो नहीं है घर पे। कहाँ गया? वो तो किसी काम से बाहर गए हैं। बाहर गया? ठीक है तो आए तो बता देना मैं आया। ठीक आ जाओ बैठ जाओ, चाय पानी तो पीते जाओ। ना ना बस आप काम करो। सूरज क्या हुआ? देखो कौन आया है, आपके अंकल आए हैं। अंकल आंटी कहाँ गए? मम्मी पापा तो किसी काम से बाहर गए हैं। अबे कहाँ है तेरे पापा? अपने अंकल के पास जाके खेलो, चलो चलो जाओ। आजा। ओए मेरा बेटा, ओए लेड़ चाहिए तुझे? गाने सुनेगा? ले तू गाने सुन, ले तू ले ही ले, ऐसा डाल के सुने। आई शाबाश, आ रही आवाज निकल गई। मेरा बाबू चुप हो जा। और भाई दर्शन क्या हाल है? बस बढ़िया भैया, आ बैठ। कौन आया? बस बैठ। अरे ऐसा मुंह खिला चल जा। चलो जा। चले मुंह खिला ला पल्ले भाई जा। और भाई तू बता भाई, अंकल आंटी कैसे हैं? बस सब बढ़िया। ठीक हूं मैं इस भाई, मैं चलूं? अरे बैठ यार, कहां अभी तो मैं आया हूं। बस भाई बहुत देर से बैठा हूं मैं, चलूं? लेट हो रहा हूं। ठीक है भाई, कोई काम हो तो बता दिए मैं चलूं। ठीक है भाई बता दूंगा। ठीक है चल ठीक है। यार ये तो घड़ी मजाक लेने लगा, कहीं बातों में राज न खोल दे, क्यों ना इसका मैं किससे ही खत्म कर दूं। यही करना पड़ेगा। हेलो। हेलो। और दर्शन भाई क्या हाल है? बाप बढ़िया भैया, तू बता। और यार कई दिन हो गए तो आया ना घर को। बाप भैया आया क्या ना, काम सा है कुछ, इस वजह से ना आया। अच्छा चल आज तेरी दावत पानी करूंगा, आजा आजा आजा। ना भैया दावत पानी का दियोल ले लेंगे, अभी तो काम सा है मुझे कुछ। अरे ना तू इतना कमीरा, आजा घर को। ठीक है आलू। ठीक है आलिया भाई दर्शन। हाँ भाई आलू। बैठ भाई बैठ। सिमरन लिया चाय पानी, दर्शन आगा। मैं भैया मैं आ तो गा, तूने वादा तूने मैं बुलाया काय को? भाई क्या मैं तुझे बुला नहीं सकता? तू तो नु कह रहा दावत दऊंगा, कहां है तेरी दावत? ये तो मेज भी खाली पड़ी है अभी। रुक जा भी, आएगी दावत पानी सामने आई इधर। जल्दी ले ये लो इसे दावत पानी, क्या करें? अरे और भी कुछ होएगा तो इसे तो पी पहले। मंगवा जल्दी से और कुछ। हेलो पिया मैं यहाँ आया हूँ, उमेश के यहाँ इन्हें बुलाया हूँ दावत दे। अरे कर दूंगा तेरा काम, क्यों हो आकत पार रहा है उस पकड़ ले। ले भाई ले दर्शन भाई। हाँ ला भाई। यू मेरा ये वाला गिलास आप मुझे दे दो। अरे दो तो सही। अरे अब भी एक गिलास तो तुमने कोल्ड ड्रिंक दी है। नहीं आप ये वाला मुझे दे दो। लो तूने क्यों बदल दिया गिलास? उसका गिलास उसे दे। क्यों? इस गिलास में ऐसा क्या है? दे ना तू उसे, मैं कह रहा हूँ इसे अब मैं ही पीऊंगी। ओ भाई तुम मेरे चक्कर में लड़ो तो मत, मेरा गिलास मुझे दो नहीं तो मैं चलूं। लाओ। नहीं आप इसी को पियो, ये मैं ही पीऊंगी। क्यों? मैं ही पीऊंगी, अगर मैं नहीं पीऊंगी तो लो पकड़ो तुम पियो इसे। पियो अब क्यों रुक गए? भाभी ऐसा के अमृत गिर रखा है इस गिलास में जो भैया मुझे पियाना चाह रहा। लो पकड़ो इस गिलास को,
और तुम बताओ अपने मुंह से कि तुमने इस ग्लास में क्या मिलाया है, पकड़ो घूंट भर के बताओ ना इसमें क्या है। अब क्यों रुक गए तुम, पीते क्यों नहीं हो इसको, पियो। छूट गए तुम्हारे पसीने, असलियत बताओ इस ग्लास में क्या है। भाई पी लेना, अब तुझ पे ना पिया जाता तो लौरे खुला, मैं अपना गिलास खुद पीऊंगा। ला पकड़ इसे। ओ भाई रुक जा, इसमें जहर है। जहर? और जो बचा हुआ जहर हो वो इसमें भी मिला दो। लो पकड़ो। ओ भाई यू किस खुशी में जहर पिया जा रहा हूँ। भाई मुझे ऐसा लगा तू इस राज को खोल देगा, मैंने इस मारा तेरे को जहर दिया। ये तो इस राज को खोलेंगे नहीं, पर मैं इस चौराहे पे खड़े होकर मैं इस राज को खोलूंगी, दो मुझे जहर। ओ भाई अगर जो तुझे ऐसा लगे कि मैं तेरा राज खोल दूंगा तो ला अपने हाथन से जहर दे दे। अब तो तुम्हारे कहने से वो भी जहर पीने को तैयार है, और मैंने भी अपने रिश्ते ना तो फिर अपनी बलि चढ़ाई, और फिर भी तुम हमें जहर पिला रहे हो। इस जहर के हकदार असली तो तुम हो। मेरे अंदर कौन सी कमी थी, कमी तो सिर्फ तुम्हारे अंदर थी, और ये फैसला भी तुम्हारा ही था, और तुम ही जहर पिलाने को चले। ये जहर के असली हकदार तो तुम हो, पीते क्यों नहीं हो, पियो अब। भाई दर्शन मुझे माफ कर दे, सिमरन तू भी मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, समाज के डर से मैंने भी गलत कदम उठाया, कहीं वो भेद ना खुल जाए। भाभी यू राज हमेशा राज ही रहेगा।